हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जगदीप सिंह, टीचर ऑफ गुरु हरगोविंद पब्लिक हाई स्कूल फतेहगढ़। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड चैप्टर ऑफ द सिक्स्थ क्लास, द नाउन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो दिस चैप्टर ऑलवेज वर्क्स फॉर यू इन मैनी ग्रामर पोर्शंस एंड इट इज़ प्रीटी मच कंपल्सरी फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज। सो वट इज़ नाउन? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेन वी गिव नेम टू एनी थिंग which exist in the world, we give name to anything, that's called noun. So it's a little definition. So we will first of all take some examples. We will see some examples, then we will define the noun, the bookish definition of the noun. First of all, here are some examples. Meera is a melodious singer. Jodi meera hai, okay, melodious singer. Melodious ek instrument hunda, means jisnu baja ke koi singer banda, जो गाँव है। सो मीरा इज़ अ मेलोडियस सिंगर। आई लिव इन दिल्ली, देर इज़ अ बिग टेल इन द सेंटर ऑफ द रूम, जॉय एंड सॉरो आर द पार्ट्स ऑफ लाइफ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी ऑलवेज हर्ड इन अ डेली रूटीन लाइफ। सो वी डोंट नो व्हाट आर द नाउन्स, व्हाट आर द एडजेक्टिव्स एंड व्हाट आर द एडवर्ब्स, मैनी थिंग्स। सो टूडे वी विल डिस्कस ओनली नाउन। सो व्हेनेवर यू स्पीक अप एनी सेंटेंस और यू hear any sentence, then you can make difference what is the noun you hear. So today we will discuss the noun. So in which noun kede ne vi, jime ki first de vich gaya ki meera aa gaya, Delhi, table, room, joy, sorrow, honesty, this kind of things. So first of all, what is noun? A noun is a word used to name a person, place, thing, condition or quality. Jime ki desi koi bhi cheez jo sansar de vich exist karde unnu जो आप नाम देने, दैट इज कॉल्ड नाउन। मीन जो भी उसनों किसी चीज़ को नाम दिता है उन्होंने आप नाम बोलते हैं। सो देखो पहली चीज़ की बोली, अभी अपने परसन, परसन के नाम कि हो सकते हैं, देखो जिमें मोहन, गर्ल, वूमन, मैन एटसेट्रा, आप अगे पढ़ा भी किस तरह होंगे ने। प्लेस के नाम किमें हो सकते हैं, जिमें मेरठ ऑस्ट्रेलिया, स्कूल, हॉस्पिटल, यही बोलते ना आप, जिमें टैंपल हो गया, गुरुद्वारा, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। चीज़ों के नाम के हो सकते हैं, भी चेयर, पेन, ट्री, बुक, वॉच एटसेट्रा, कैलकुलेटर, स्टोन एंड स्पेक्स एंड रूलर, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। कंडीशन, हैप्पीनेस, एंगर, सोरो, यूथ, ये सारिया किमें होंगे, जिमें कंडीशन के यूथ, यूथ मीनस स्टेट। क्वालिटी, ट्रुथफुलनेस, करेज, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। एंड कोई डम्ब हों, मीन जो पढ़ता नहीं होंगे उन्होंने बोल दें आप डम्ब, वो की क्वालिटी होगी, दिस काइंड ऑफ थिंग। सो एनी थिंग टू विच वी कैन गिव नेम, दैट इज़ कॉल्ड नाउन। आप मीनस जिन्हें भी यूज़ करते हैं किसी चीज़ को नाम देने वास्ते, आप नाम बोल दें। सो देयर आर मेनली फाइव टाइप्स ऑफ नाउन इन द इंग्लिश, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्सट्रैक्ट एंड मटीरियल। सो वी विल डिस्कस, अब कले कले बारे इतने डिस्कस करेंगे, तुहानू जो उपर भी मैं कुछ भी किया है वो सब चीज़ा नाल दी नाल समझ लग जाएंगी। सो टूडे वी विल डिस्कस दिस फाइव टाइप ऑफ नाउन्स एंड दिज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉपर नाउन, द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की होंगे भी, किसी भी चीज़ का कोई भी पर्टिकुलर नेम हो उस तो बगैर उसका किसी होर का नाम ना हो बोलते हैं आप प्रॉपर नेम। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज जगदीप सिंह, माई नेम इज जगदीप सिंह। सो आई हैव दिस टाइप ऑफ नाउन, मीनस दिस इज़ माई प्रॉपर नाउन। हूँ किसी होर का नाम भी जगदीप हो सकता है, पर वह उस व्यक्ति वास्ते है, जिमें मेरे वास्ते जगदीप है, जिमें तुहाडा अपना नाम होगा। हाँ ठीक है, अलग अलग इंसान के मतलब सेम नेम हो सकते हैं, पर उस नेम नाल उस इंसान की पर्टिकुलर इमेज बनेगी, दिस काइंड ऑफ थिंग। जिमें किसी स्कूल का नाम हो, जिम्मे अपने स्कूल का नाम है श्री गुरु हरगोबिंद पब्लिक हाई स्कूल, एक स्कूल का नाम है, एक प्रॉपर नेम है। जिमें आप कह सकते हैं किसी गुरु का नाम, किसी गुरुद्वारे का नाम अलग होंगे, जिमें देखो गुरुद्वारा हरेक है पर हरेक गुरुद्वारे का नेम अलग होंगे, स्कूल हरेक है पर हरेक स्कूल का नेम अलग होंगे। सो प्रॉपर नेम का मतलब ही यही है कि मीनस किसी चीज़ का पर्टिकुलर नाम हो, किसी चीज़ का हो, प्लेस का हो, इंसान का हो, बोलते हैं आप प्रॉपर नेम। अ प्रॉपर नाउन नेम्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। सो उन्हों की बोलते हैं आप अ प्रॉपर नाउन, जिमें कि प्लेस द पर्सन का की दिता है, भी नीतू नेम्स अ पर्टिकुलर पर्सन। हूँ कोई लड़के होगी नाम की होगा, नीतू होगा, सो पर्टिकुलर है।
केरला नेम्स अ पर्टिकुलर प्लेस, केरला एक स्टेट का नाम है इंडिया की, ऊपर प्रॉपर नाउन है, जिमें पंजाब प्रॉपर नाउन है, दिल्ली प्रॉपर नाउन है, ऑस्ट्रेलिया प्रॉपर नाउन है, इंडिया प्रॉपर नाउन है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स इंडियन प्रॉपर नाउन है। हुण थिंग का नाम क्यों सर, जिमें गंगा नेम्स अ पर्टिकुलर रिवर, गंगा की एक पर्टिकुलर रिवर का नाम है। इस तरह की हो जाता एक नेम हो जाता है, मीनस प्रॉपर नेम हो जाता है। देखो ये एक गल याद रखनी, प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन्स विद द कैपिटल लैटर, हमेशा ही प्रॉपर नाउन नूं तुसीं ने कैपिटल लैटर दे विच ही लिखना है। कितें भी मान लो तुसीं सेंटेंस लिख रहे हो, हाँ एक गल दसी जाती है कि पहला जिहड़ा लैटर वह सेंटेंस का वड्डा लिखना है तो उन्हूं फुल स्टॉप नाल खत्म करना है। पर वैन एवर देयर यू आर राइटिंग अ प्रॉपर नेम, यू हैव टू राइट द फर्स्ट लेफ्ट फर्स्ट लैटर ऑफ द प्रॉपर नेम इज़ द कैपिटल लैटर। सो दिस इज you have to memorize these things, this thing. So what is the next one? This is totally related to proper name. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ proper common name. Common name ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਸੇਮ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਹੈ, ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੋ ਕੀ ਉਹਦਾ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਨੇਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਨ ਕੀ ਹੈ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਹੈ। ਵੂਮਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸੋ ਸਕੂਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰ, ਚੇਅਰ ਹਰੇਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਚੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਅਰ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਦਿਸ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਅ ਕਾਮਨ ਨਾਊਨ ਨੇਮਸ ਅ ਪਰਸਨ, ਪਲੇਸ, ਥਿੰਗ ਔਰ ਸੇਮ ਕਾਇੰਡ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਨੇਮ, ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਗਜਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਓ ਪੀਪਲ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਦਰ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਬੋਲਦੇ। ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦੀ ਮਦਰ ਦਾ ਨੇਮ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹੀ ਮਦਰ। ਫਾਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਆਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੀਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੀਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਟੀਚਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਟੀਚਰ ਕੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਨਸ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੇਮ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਥਿੰਗਸ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਾਮਨ ਨੇਮ। ਐਨੀਮਲ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਐਨੀਮਲ 'ਚ ਡੋਗ, ਕੈਟ, ਐਲੀਫੈਂਟ, ਲਾਇਨ, ਟਾਈਗਰ। ਹੁਣ ਟਾਈਗਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ, ਟਾਈਗਰ ਦੀਆਂ ਬਰੀਡਸ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਗਰ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਥਿੰਗਸ, ਟੇਬਲ, ਬੁੱਕ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਪੈਨਸਲ, ਕਾਰ। ਦੇਖੋ ਪੈਨਸਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਪੈਨਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਈਵਨ ਕਿ ਕਲਰਫੁੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪੈਨਸਲ ਨੂੰ ਕਲਰਫੁੱਲ ਕਲਰਫੁੱਲ ਪੈਨਸਲ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪੈਨਸਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੈਨਸਲ ਪਕੜਾ ਦਿਉ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੈਲੋ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ ਜੈਲੋ ਪੈਨਸਲ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੈਲੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਲਾਈਕ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ ਦੈਟ ਪੈਨਸਲ, ਮੀਨਸ ਪੈਨਸਲ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਮਨ ਨੇਮ। ਸੋ ਦਿਸ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਥਿੰਗਸ। ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਕੂਲ, ਹੋਸਪਿਟਲ, ਸਿਟੀ, ਸਟੇਟ, ਦਿਸ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਥਿੰਗਸ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਟਰੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਸੋਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨੇਮ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸੋ ਕੰਟਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਹੈ। ਕਲੈਕਟਿਵ ਨੇਮ, ਇਹਦਾ ਨੇਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਮੀਨਸ ਗਰੁੱਪ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਊਨ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਾਊਨ ਨੇਮਸ ਅ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਰਸਨ, ਥਿੰਗਸ ਟੇਕਨ ਟੂਗੈਦਰ ਐਜ਼ ਅ ਗਰੁੱਪ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਅਗਰ 10 ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਿਠਾਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਕਲਾਸ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਨੇਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੀਨਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਾਊਨ। ਐਗਜਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਆਰਮੀ, ਆਰਮੀ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੈਕਟਿਵ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸੋਲਜਰਸ। ਸੋਲਜਰ, ਇੱਕ ਸੋਲਜਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸੋਲਜਰ, ਪਰ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਜਾਂ 100-200 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਰਮੀ। ਫਲੀਟ, ਫਲੀਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸ਼ਿਪਸ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਸ਼ਿਪਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, 10, 15, 20, 30, 40, 50, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਲੀਟ, ਫਲੀਟ ਆਫ ਸ਼ਿਪਸ। ਟੀਮ, ਟੀਮ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪਲੇਅਰਸ। ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕ ਇਫ ਆਈ ਟੇਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਦੈਨ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਲਾਈਕ ਦੇ ਆਰ 11 ਪਲੇਅਰਸ ਇਨ ਵਨ ਟੀਮ, ਸੋ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਟੀਮ ਐਜ਼ ਅ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਾਊਨ ਫਾਰ 11 ਪਲੇਅਰਸ। ਹਰਡ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੈਟਲ। ਮੀਨਸ ਹਰਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਇਫ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਵਨ ਬਫੈਲੋ, ਦੈਨ ਵੀ ਯੂਜਲੀ ਸੇ ਲਾਈਕ ਬਫੈਲੋ ਔਰ ਕਾਓ। ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਟੂ ਕਾਓਜ, ਵਨ ਬਫੈਲੋ ਐਂਡ ਟੂ ਬੁਲਗ, ਦਿਸ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਥਿੰਗ, ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਸੇ ਦ ਵੀ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਦ ਵਰਡ ਹਰਡ। ਟਰੂਪ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਡਾਂਸਰ, ਡਾਂਸਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਟਰੂਪ।
सो दिस काइंड ऑफ थिंग जदों भी इको जे काफ़ी चीज़ा आ जाएगियाँ इको जिया वास्ते एक स्पैसीफिक नेम बनाया है कलैक्टिव नाउन उन्होंने बोलते अपना कलैक्टिव नाउन। सो ये देखो इन्होंने एक होर भी देखो बहुत वधिया गल दसी है अ कलैक्टिव नाउन कैन बी यूज एज अ कॉमन नाउन। कलैक्टिव नाउन आप कॉमन नाउन भी यूज कर सकते हैं जिमें देखो टीम्स टीम्स की है कॉमन नाउन है। देखो आई थिंक हरेक आई पी एल देखता होएगा आई पी एल देखो किन्नी टीम्स ने मुंबई इंडियन पंजाब किंग्स की है वो अठ टीम्स ने पर वास्ते अपन टीम्स एक कॉमन नाउन रखे हुआ है टीम्स की रखे एक कॉमन नाउन रखे हुआ है। इस तरह आर्मीज़ कई तरह दर्मीज़ होंदिया ने देखो इंडियन आर्मीज़ हो गई सॉरी आर्मीज़ मीनस आप कह सकते हैं कि किन आर्मीज़ ने वर्ल्ड के पर उन्होंने वास्ते एक कॉमन नाउन रख्या है भावें कि हरेक आर्मी का नाम अलग है इंडियन आर्मी आस्ट्रेलियन आर्मी एंड अमेरिकन आर्मी। इस तरह नैक्सट देखो भी एबसट्रैक्ट नाउन एबसट्रैक्ट नाउन है भाई जिन्हों आप महसूस कर सकते हैं जिमें देखो एन एबसट्रैक्ट नाउन नेम्स द स्टेट क्वालिटी फीलिंग और आइडिया विच दैट वी कैन नॉट सी और टच बट वी कैन ओनली थिंक ऑफ। आई थिंक वी कैन सी थोड़ा मैं लगता मिसटेक है इतने आप देख तो सकते हैं लाइक ब्यूटी वी कैन सी द ब्यूटी। सो जिन्हों आप फील कर सकती है फील कर सकते हो जो जो नॉर्मल गल है मीनस लिटरली आप कह सकते हैं कि जो जिसनों आप फील कर सकी पर उन्होंने टच ना कर सकी उन्होंने की बोलते हैं आप एबसट्रैक्ट नाउन वो की हो सकती है एक स्टेट भी हो सकती है क्वालिटी हो सकती है फीलिंग हो सकती है आइडिया हो सकता है। देखो वर्ड लाइक ब्यूटी ब्यूटी नहीं आप फील कर सकते हैं हीट हीट हूँ तुम कहो सर अग मच रही आप देख सकते हैं नो आप अग न देख सकते हैं पर जो सेकते हैं आप देखते हैं तो उन्होंने आप फील कर सकते हैं। ट्रुथ लव पेन करेज हैल्थ कॉनेस्टी इंपोर्टेंस हेटर्ड सक्सैस एबसट्रैक्ट ये सारे की ने सॉरी एबसट्रैक्ट नाउन ने सारे। सो इन्हों आप सिर्फ फील कर सकते हैं। मटीरियल नाउन भी होंगे जी जिस तो कोई चीज़ बनी हो जिमें शुगर मटीरियल नाउन है तो मिल्क मटीरियल नाउन है सॉल्ट हो गया अपना नमक मटीरियल नाउन है सैंड मटीरियल नाउन है। सो वो की होंगे भी जी चीज़ किस तो चीज़ तो मिलकर बनी हुई देखो अ मटीरियल नाउन नेम्स द मैटर ऑफ सबस्टांस ऑफ विच थिंग्स आर मेड अप ऑफ कोई भी उस चीज़ का नाम जिहड़ियां सबस्टांस ऑफ विच थिंग्स आर जिहड़ियां चीज़ों तो मिलकर बनी हुई काफ़ी चीज़ों तो मिलकर बनी हुई भी बोल देने आप मटीरियल नाउन। देखो सिल्वर की है भी मटीरियल नाउन है सिल्वर की है भी मटीरियल नाउन है आयरन गोल्ड कॉटन जिहड़ी अपनी कपाह होंदी भी एक मटीरियल नाउन है प्लास्टिक फाइबर मिल्क आर द मटीरियल नाउनस। सो भी पांच नाउन ने दिस आर प्रीटी मच कंपलसरी फॉर द एग्जाम परपज एंड दिस नाउन आल्सो विल वर्क फॉर यू फॉर द हायर क्लासेस सो डोंट लीव इट एज इट इज़ हेयर प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस नाउन्स। सो टूडे व्हाट इज़ द होमवर्क व्हाट इज़ द होमवर्क यू जस्ट हैव टू ट्राई टू कंप्लीट द फर्स्ट टू एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट एक्सरसाइज आई विल हेल्प यू ट्राई टू सॉल्व one or two questions for you. So what we will have to do for the first exercise and encircle the nouns in the following sentence and write whether they are common proper collective apne vi jinne hun noun padhe ne oho ede vich dekhne ne ohna dekhne vi kede kede inne ch pehla select karne ne ek apne sentence ditta gaya ede vich select karne vi kede kede noun ne te fir dassna ho ki ohna di type ki hai. So first dekho vi गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मैटल गोल्ड की है एक बहुत ही प्रीशियस है मीनस जी रेयर होंगी है बहुत बढ़िया मैटल है। हूँ देखो भी मैं हने हने दस के क्या गोल्ड की है भी गोल्ड की है भी एक की कह सकते मटीरियल नाउन है प्रीशियस की है ये एडजेक्टिव है मैटल फिर आ गया भी नाउन मैटल भी की है एक की कह सकते आप मटीरियल नाउन है। सो इन्हों आप इतने भी की लिखा पहला इन्हों सर्कल कर देवे सर्कल करने तो बाद इतने की लिखा आप भी एक ही ने मटीरियल नाउन्स। इस तरह होर देख लो भी कोई भी जिमें आप लै सकते हैं ये एग्जाम्पल सैवंथ की माई टीचर हैज़ बोथ विजडम एंड नॉलेज देखो भी सू दस्या किस स्कूल के पहले आप देखो नाउन कि टीचर नाउन है भी विजडम नाउन है भी नॉलेज नाउन है भी। हूँ देखो टीचर की है मैं दस्या स्कूल के टीचर सारे ही होंगे ने सारे आप टीचर बोलते हैं पर हरेक का अपना नाम होंगे सो टीचर की है भी इतने कॉमन नाउन है विजडम विजडम आप देख नहीं सकते। हाँ तुम कहो सर उन्हें इन्ना वधिया काम किया मीनस उसने सवाल जल्दी खत्म करता तो मीनस आप विजडम देख सकते नो
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਨੌਲੇਜ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨਾਉਨ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 8th ਲੈ ਲਓ, ਸਲਮ ਡੌਗ ਮਿਲੀਨੀਅਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਓਸਕਰ ਵਿਨਿੰਗ ਮੂਵੀ। ਦਿਸ ਵਾਜ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੂਵੀ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵਾਚ ਦਿਸ ਮੂਵੀ, ਸਰਚ ਔਨ ਦਾ ਗੂਗਲ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਵਾਚ ਦਿਸ ਮੂਵੀ। ਦਿਸ ਮੂਵੀ ਵੌਨ ਦਾ ਓਸਕਰ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਫੇਮਸ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਅਵਾਰਡ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਸੋ ਸਲਮ ਡੌਗ ਮਿਲੀਨੀਅਰ, ਸਲਮ ਡੌਗ ਕੀ ਹੈ ਵੀ, ਸਲਮ ਡੌਗ ਮਿਲੀਨੀਅਰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਮੀਨਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਸਕਰ ਕੀ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੀਨਜ਼ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਓਸਕਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੂਵੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ, ਮੂਵੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਕੋਮਨ ਨੇਮ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਯੂਜਿੰਗ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਾਊਨਸ ਨਾਊਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬੋਕਸ ਐਂਡ ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾਊਨ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਾਊਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਾਊਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ ਕਰਕੇ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਇਹ ਭਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਫਸਟ ਲੈ ਲਓ, ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਸ਼ ਵੌਨ ਦਾ ਮੈਚ ਬਾਈ 20 ਰਨਸ। ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ, ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਅਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਾਊਨ ਕਿਹੜਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ, ਟੀਮ, ਪਲੇਅਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਟੀਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਟੀਮ, ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਅ ਡੈਸ਼ ਆਫ ਪੀਪਲ ਅਟੈਕ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੀਅਰ ਬਾਏ। ਪੀਪਲ ਦਾ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਾਊਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ, ਕਰਾਊਡ, ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਭੀੜ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਰਾਊਡ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਫਥ ਲੈ ਲਓ, ਅ ਡੈਸ਼ ਆਫ ਬੋਲਸ ਅਟੈਕ ਦਾ ਲਾਇਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੁਲਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਭੇੜੀਆ, ਬੋਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਭੇੜੀਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਭੇੜਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੈਕ। ਸੋ ਦਿਸ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਥਿੰਗ, ਸੋ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਸੋਲਵ ਫਸਟ ਟੂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਔਨ ਯੂਅਰ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ, ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਦ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।